तो भाई लोग क्या हाल है, आज हम बात करेंगे टीम आर्या के बारे में। जी हाँ, वो सच में कोलकाता आने वाले हैं और ये शायद कंफर्म हो चुका है कि वो कब आने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा होगा ये वीडियो, जरूर देख लेना। और मेसी क्या यहाँ आएंगे या नहीं, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्या मेसी कोलकाता में आ रहे हैं या नहीं, वो पूरा वीडियो देख लेना आप। इस वीडियो के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा। तो इस पे यार 70 लाइक्स का टारगेट करते कर देना है। चलो बताता हूँ। तो सदाद्रु दत्ता ने बहुत हाइप क्रिएट किया था मेसी को लेके कि वो कोलकाता में मेसी को लेके आएंगे, लोग ऐसा ही मानने भी लगे थे। लेकिन अभी कंफर्म हुआ कि डी मारिया अभी मेसी के जगह यहाँ आने वाले हैं। लेकिन सदाद्रु दत्ता ने ये भी कंफर्म किया है कि वो मेसी को भी लाएंगे कोलकाता में। तो उन्होंने ये दोनों पोस्ट किया है डी मारिया का न्यूज कंफर्म होने के बाद कि वो कोलकाता आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने बंगाली में लिखा है। तो मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ वो क्या कहना चाहते हैं। तो पहले पोस्ट में उन्होंने बताया कि सबर करो दोस्तों, जो आप सोच रहे हो वही होगा, भरोसा रखो। और उसके बाद वाले पोस्ट में डी मारिया आ रहे हैं कोलकाता में, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बोला कि ये तो सिर्फ सेमीफाइनल है, फाइनल अभी भी बाकी है। मतलब मेसी भी आएंगे कोलकाता में बहुत ही जल्द। अभी डी मारिया का ही बात कर लेते हैं कि वो कब आने वाले हैं। तो न्यूज के मुताबिक वो दुर्गा पूजा में आएंगे और बांग्लादेश होके वो कोलकाता में विजिट करेंगे। तो शायद हमें कोई पैंडल सेरेमनी, यहाँ पे बहुत फेमस है, बंगालीज को पता होगा, ठीक है, दुर्गा पूजा का पैंडल ओपनिंग सेरेमनी होता है, बहुत बड़े बड़े पैंडल्स होते हैं। तो उसमें डी मारिया आ सकते हैं कुछ और जगह, वो अभी कंफर्म नहीं हुआ है, या फिर कुछ मीटअप होगा वो भी मैं बता दूंगा। अभी आप ये समझ लो कि डी मारिया आ रहे हैं कोलकाता में और कुछ न्यूज चैनल तो बता रहे हैं उनका टिकट भी कंफर्म हो चुका है। आप कमेंट में बताना आप कहां देखना चाहते हो डी मारिया को और मेसी के लिए एक्साइटेड हो या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। चलो मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।